हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमने जो टॉपिक लिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसका नाम है टेंसेज थ्रू बॉलीवुड सॉन्ग्स, यानी कि जो टेंस का टेंशन है वो बच्चों के दिमाग से बिल्कुल ख़त्म करना। बच्चों को स्पेशली पसंद होता है गाने सुनना, गाने गाना और गानों को गुनगुनाना। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं गानों से हम टेंस से सिखा दें, यानी कि टेंस की जो दिमाग में टेंशन होती है उसको पूर्णतया ख़त्म कर दें। तो इसी नवाचार के तहत आज हमने ये सीरीज शुरू की है, यानी तीनों टेंसेज के तीन वीडियोस होंगे। आज हमने लिया है प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस क्रिया का समय यानी क्रिया का काल। तो टेंस जो है वो तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आसानी से याद होने वाली चीज़ है कि तीन तरह के टेंस होते हैं। प्रत्येक टेंस के चार भाग हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज के इस वीडियो में जो हमने लिया है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस को लिया है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है बहुत आसान है। आसान इसलिए क्योंकि इसको समझना बहुत ईजी है। इसके जो रूल्स हैं कि जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। या हम छोटी सी चीज़ अगर हम देखें तो जिस कार्य के अंत में यानी जिस वर्ब के लास्ट में अगर ता है, ती है और ते हैं आते हैं, ध्यान रखिए किसी कार्य के अंत में ता है, ती है और ते हैं आते हैं, तो ये वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट टेंस के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में भी केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, और जब नेगेटिव बनाएंगे तभी हम डू डज का प्रयोग करेंगे, या फिर प्रश्नवाचक वाक्य आएंगे तो डू डज का प्रयोग करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि साधारण वाक्यों में डू डज का प्रयोग नहीं होता। देखते हैं एक सेंटेंस। हम तुम्हें चाहते हैं। तो पहला सेंटेंस हमने देखा कि हम तुम्हें चाहते हैं। हम तुम्हें चाहते हैं, तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का हुआ। चाहते हैं यानी चाहना इसमें कार्य है और इसके अंदर ते हैं लगा हुआ है। अब चाहता कौन है, यानी जो कौन का जवाब देगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले आएगा। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे वी वॉन्ट यू, यानी हम तुम्हें चाहते हैं। इसी प्रकार से कोई दूसरा वाक्य है, जैसे मैं कक्षा 10 में पढ़ता हूँ, मैं कक्षा 11 में पढ़ता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए हम बनाएंगे आई रीड इन 10th क्लास या आई रीड इन 12th क्लास। इसमें हूँ के लिए हम एम का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कार्य के अंदर ताहू लगा है और ताहू के लिए डू का हम प्रयोग करते हैं, लेकिन साधारण वाक्य होने के कारण इसमें डू का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मेरी मम्मी को पसंद नहीं हो तू, इट मीन्स कि तुम मेरी मम्मी को पसंद नहीं हो। इसको हम हिंदी में कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि तुम मेरी मम्मी को पसंद नहीं हो या मेरी मम्मी तुम्हें नापसंद करती है, इस तरह से। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे मेरी मम्मी, इट मीन्स माई मदर डज नॉट लाइक यू। अब इसमें नॉट आया है, नहीं शब्द आया है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब डज, क्योंकि हमारा जो कर्ता है वो एक वचन है, तो मेरी मम्मी वो एक वचन है, तो मेरी मम्मी इट मीन्स माई मदर डज नॉट लाइक यू। प्रेजेंट सिंपल का वाक्य एक और देखते हैं। इसके अंदर एक वर्ब है सूट। सूट का मतलब होता है कोई चीज़ अच्छी लगना। कोई भी चीज़ अगर हम पहन लें, अच्छे लगने के दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो जो हमें पसंद हो, जैसे मुझे केले पसंद हैं, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है, मुझे अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, वॉट एवर। तो इन सब के अंदर पसंद का मतलब होता है लाइक, कि मुझे मैं ये पसंद करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें हम पहले से पहन लें और वो हमें अच्छी लगे, यानी शरीर पर अच्छे लगे, उसके लिए वर्ड है अपने पास सूट। जैसे अगर किसी रेड साड़ी अगर पहनी हुई है तो हम लोग कहते हैं ये लाल साड़ी है, इस पर जचती है। या जैसे किसी ने अगर चश्मा पहना हो तो वो जचता है, घड़ी पहनी हो तो वो जचता है। कोई भी चीज़ जो अच्छी लगे किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को पहनने पर, तो हम वहाँ पर वर्ड यूज़ करते हैं सूट। अब अगर ये अच्छी लगती है तो प्रेजेंट सिंपल में होगा। वाक्य देखते हैं इसका किस प्रकार से होगा। तो काला चश्मा जचता है का मतलब है कि काला चश्मा पहनने के बाद अच्छा लगता है। इसको हम लिखेंगे ब्लैक गॉगल्स या ब्लैक ग्लासेज सूट्स मी, यानी मुझे अच्छे लगते हैं, यानी मेरे पहनने के बाद अच्छे लगते हैं। या ब्लैक या डार्क ग्लासेज सूट्स ऑन माई फेयर फेस, इस तरह से सेंटेंस हम बनाएंगे। अब
इसी प्रकार के जो वाक्य हैं वो होता है जिसमें इसमें इन सब के अंदर तो एक्शन वर्ब थी, लेकिन नॉन एक्शन वर्ब भी तो हो सकते हैं। तो नॉन एक्शन वर्ब के वाले वाक्य किस तरह से होते हैं वो देखते हैं। जिंदगी एक सफर है सुहाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, इट मीन्स जिंदगी जो है एक सुहाना सफर है। तो यहाँ पर वर्ब कुछ भी नहीं हो रहा है, यानी काम नहीं हो रहा, तो एक्शन वर्ब नहीं है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का कार्य करने वाली है, यानी कि इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब का कार्य करने के साथ साथ मेन वर्ब का कार्य भी करेगी। तो इसमें लिखेंगे हम जिंदगी को, हम कहते हैं लाइफ इज ब्यूटीफुल जर्नी। सुहाने को हम प्लीजेंट भी बोल सकते हैं, ब्यूटीफुल भी कह सकते हैं। तो लाइफ इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। दूसरा वाक्य देखते हैं। तू शायर है, इट मीन्स शायर कौन है, तुम, इट मीन्स यू इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। यू आर अ पोएट, यू आर अ पोएट, तुम एक शायर हो। इसी प्रकार से कई सारे सेंटेंस बन जाएंगे। तुम एक लड़के हो, यू आर अ बॉय, मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, इस प्रकार से बन जाएंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आएगी। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का कोई लफड़ा नहीं है कि साधारण वाक्य में आएगी या नहीं आएगी, इन सभी प्रकार के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब्स आएगी। तो ही शी इट यानी एक वचन के साथ इज, आई अगर हमारा सब्जेक्ट हो तो एम, और अदर्स जो भी हैं यानी कि जितने बहुवचन सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस देखते हैं। गुनगुना रहे हैं भंवरे, इट मीन्स भंवरे जो हैं गुनगुना रहे हैं। तो गुनगुनाने का काम कौन कर रहा है, भंवरे। तो हम लिखेंगे इसको ब्लैक बीज आर बजिंग। इसी प्रकार से और बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ आई एम स्टडिंग या आई एम रीडिंग, मैं खेल रहा हूँ आई एम प्लेइंग, मेरा दोस्त खेल रहा है माई फ्रेंड इज प्लेइंग, वह पढ़ रही है तो शी इज रीडिंग, अगर वह खाना पका रही है तो शी इज कुकिंग फूड। ये सारे सेंटेंस हम चेंज कर सकते हैं हमारी लैंग्वेज में। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दुनिया से दूर जा रहा हूँ, दुनिया से दूर जा रहा हूँ, लास्ट में आया रहा हूँ। तो जिसके अंदर रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, आ रहे हैं, वो सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाएंगे। तो देखो मैं दुनिया से दूर जा रहा हूँ, इट मीन्स आई एम गोइंग, काम इसमें गो वर्ब है तो इसमें लगाएंगे हम आई एन जी। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई एम गोइंग फार फ्रॉम वर्ल्ड, यानी कि मैं दुनिया से दूर जा रहा हूँ। इस प्रकार से ये होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, कोई ना कोई काम पूरा हुआ होता है अभी यानी थोड़ी देर पहले, रिसेंटली कोई काम पूरा होता है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का काम में लेते हैं। इसके सेंटेंस देखते हैं। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है। तो इसमें है कि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इट मीन्स परहैप्स माई मैरिज आइडिया हैज कम इन द माइंड। शायद परहैप्स और आया है, इट मीन्स जिसके ऐसे सेंटेंस है जिसमें या है, यी है, ये हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं अगर आते हैं तो ये वाक्य जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट में होते हैं। काम पूरा हो जाता है इसलिए इसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज का प्रयोग करेंगे, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन हो तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब ख्याल जो है वो एक वचन है इसलिए हमने हैज का प्रयोग किया है, इट मीन्स परहैप्स द आइडिया ऑफ माई मैरिज हैज कम इन द माइंड, ये इसका सेंटेंस बन जाएगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम। तो तूने और रंगीले कैसा जादू किया, ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन हो गया, लास्ट में आया या है, ये है, इट मीन्स जो भी हम नाम लेंगे, रंगीला इसमें नाम है तो रंगीले, कैसा विच, कैसा है ना विच टाइप, किस प्रकार का, तो विच टाइप, अब मैजिक बोलते हैं जादू को तो रंगीले, विच टाइप मैजिक यू हैव डन, कि किस प्रकार का जादू तुमने किया है। तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट।
जिसके लास्ट में या है, यी है और ये है आएंगे, वो सारे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट के होंगे। तो इस प्रकार से ये सारे जो सेंटेंस थे वो टेंसेस से संबंधित थे। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे सेंटेंस तैयार करें, जैसे कि मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, अंग्रेजी में बनाएंगे आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। और कोई वाक्य हो सकता है, जैसे वह स्कूल गया है, तो ही हैज़ गॉन टू स्कूल। और जो भी आपके माइंड में आ रहे हों इस प्रकार के सेंटेंस जो हम बना सकते हैं। तो इस तरह से टेंस के सारे सेंटेंस थे सॉन्ग्स के थ्रू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना भूलना मत। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर हम इसकी नेक्स्ट सीरीज़ ज़रूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।